सो अरे so, यारे सुधर फिर इसको तो थोड़ा तो टाइट तो कर देना यार टाइट कर दे कर कुछ करता है ना हेलो हाँ सुनते हो अभी मेरी बात आ, जानते होंगे आप मुझे yes. अच्छा ठीक है तो एम सी आनंद भंगड़िया और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस बैच में एडवांस अकाउंट्स में ओके okay? आशा करता हूँ कि आपके ग्रुप वन के पेपर्स काफ़ी अच्छे गए होंगे कैसे रहे पेपर्स एकदम प्यारे गए अच्छे गए अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी कितने बच्चे अभी रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने एक ही ग्रुप दिया और नो वन रिग्रेट्स हाउ मेनी ऑफ यू रिग्रेट दैट यू हैव गिवन ओनली वन ग्रुप मेनी वेरी फ्यू सो बाकी सभी लोग दे यू हैड अ कंप्लीट परफेक्ट प्लान दैट यू टू ओनली वॉन्टेड टू गिव सिंगल ग्रुप एंड यू गेव इट वेल बेस्ट शॉट एंड यू आई आर ऑल राइट परफेक्ट सो बिफोर वी स्टार्ट आर क्लास लेट मी एक्सप्लेन ई फ्यू ऑफ द चैलेंजेस विच दिस बैच इज गोइंग टू हैव अरे मैं उधर सब बराबर हूं ना एंपे एक दो मिनट है बेटा एल जस्ट छाजी यहां पर बराबर दिख रहे कि नहीं स्क्रीन क्लियर नहीं ऐसा बोल रहे देख ले भाई हाँ तो अभी मेरी बात कुछ सुन लीजिए बिफोर वी स्टार्ट इस क्लास में मैं खुश बच्चों को पढ़ाता हूं यू अंडरस्टैंड खुश हैप्पी सो आई वॉन्ट टू नर्चर हैप्पी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉट दुखी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तुम पढ़ाई से कितने भी बोर हुए होंगे या पढ़ाई में कितना भी आपको थकाया होगा जान ली होगी आपके ब्रेक ऑफ हुए होंगे पढ़ाई की वजह से आई डोंट गिव अ डैम एम शेड टू इट आई विल जस्ट टेल यू दैट यू नीड टू भी हैप्पी इन दिस क्लास सो वो यू डू when we start with our class it will be always with a smile, smile. the smile has to be the genuine one fake nahi air hostess nahi bannege apne ko ya aur <laughs> yeah. usko kya bolte hai na jo attendant rehta hai wo flight mein male bhi hota hai na pata nahi jo bhi air hostess theek <laughs> hai jo so bhi hai whoever he or she is so we don't have to have that fake smile so can we start our lecture with a beautiful smile those who have brushed your yesterday all right so can you have a beautiful smile on your face yes sir so smile कुछ दिन में से इसमें से आवाज आने लग जाएगी ओके okay? हाँ right. फिर नेक्स्ट चीज है अब मैं क्लास की यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ कुछ फिलासफीज वगैरह बता देता हूँ जरूरी है देन प्रोसीड सो मैं टीचिंग प्रोफेशन में बाय चांस नहीं हूँ बाय चॉइस हूँ बहुत मजा आता है मुझे मतलब समझ लो मैं हर रोज जिंदगी जीता हूं और एक दिन भी ऐसा नहीं गया मुझे कि जब उठने की इच्छा नहीं हुई और उठकर क्लास में आने का अफसोस हुआ होगा ऐसा एक भी दिन नहीं गया हर बार ऐसा लगता है कि मजा आता है यार जाना चाहिए और मैं इधर आकर है ना पढ़ाता नहीं हूं मैं इधर आकर तुमसे बातें करूंगा मेरे लिए सिर्फ बातें हैं तुम्हारे लिए अगर बोझ होगा तो क्या होगा आई डोंट नो बट फॉर मी आई जस्ट कम एंड टॉक टू यू एंड आई एम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मुझे बहुत मजा आता है इस समय मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चलता है तो आई एम वेरी हैप्पी एग्रीड सो आई एम इन दिस प्रोफेशन फॉर द पर्पज ऑफ बींग अ टीचर तो बींग अ टीचर आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे क्लास में सारे बच्चे पास नहीं होंगे क्योंकि मेरे वजह से पास होते ही नहीं है तुम पास या फेल होंगे खुद की मेहनत पर मैं कभी किसी बच्चे के रिजल्ट को क्लेम नहीं करता हूं कभी कोई बच्चा बहुत एक्स्ट्रॉडिन्री परफॉर्म करता है तो जरूर उसके इंटरव्यू डालने की कोशिश करता हूं बट आई डोंट क्लेम दैट यू आर पास बिकॉज ऑफ मी और यू आर फ्लंक्ट बिकॉज ऑफ मी बिकॉज इफ यू पास बिकॉज ऑफ मी देंक ऑल्सो बिकॉज ऑफ मी आई डोंट क्लेम इदर ऑफ़ द रिस्पॉन्सिलिटीज सो माई फिलोसॉफी ऑफ द लाइफ इज यू आर गोना पास और यू आर गोना फेल इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू इफ यू गिव योर एफर्ट तो भाई साहब मैं तो विदाउट क्लासेस पास हुआ हूँ आई हैव पास विद सेल्फ स्टडी तो फिर तो तुम ये तो इम्पॉसिबल होगा कि क्लासेस पैसा फेंकने से थोड़ी ना विद्या मिल जाती भाई पैसा फेंकने से विद्या नहीं मिलती मेहनत करोगे आराधना करोगे उसके बाद प्रति ध्यान दोगे तो ज़रूर विद्या आपको मिलने की कोशिश होती है हाँ या ना तो बेटा जी क्लास में मैं दूसरे टीचर्स की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं खुद की करता हूँ तो मैं ये क्लास में अनाउंसमेंट के तौर पर करता हूँ कि मुझे कभी आकर किसी और टीचर की बुराई मत करना स्पेसिफिकली अकाउंट्स क्योंकि मैं वैसा आदमी हूँ नहीं ठीक है और अगर एसपीसी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट की तो मैं आपके साथ में खड़ा हूं वी आर देयर विथ यू सो वी आर ऑन द सेम साइड सो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वी आर देयर विथ यू ओके सो पॉइंट नंबर वन इज क्लियर ओके आई विल एक्सपेक्ट यू ऑल्सो टू रिस्पेक्ट एवरी वन इज अराउंड यू इंक्लूडिंग माई स्टाफ इंक्लूडिंग द क्लीनर इंक्लूडिंग एनी वन हु फाइनेंशियली स्मॉलर देन यू मुझे एरेगेंस क्लास में पसंद नहीं है और आप मेरे में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखनी मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आप ऐसी कोई चीज़ मुझसे ना देखो तो जैसे मैं आपको ये बताता हूं कि वेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ मी मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे पास भगवान किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं किसी भी रूप में आ सकते हैं और यदि मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं तो मैं शायद परमात्मा से मिल ना पाऊँ अगर वो एग्जिस्टिंग है तो तो मुझे आप सभी लोगों में परमात्मा दिखता है तो उसकी तरीके से मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा हमेशा ठीक है मस्ती मस्ती में छेड़ते रहूंगा वो बात अलग है मस्ती मस्ती में छेड़ूंगा मस्ती मस्ती में चिल्लाऊंगा भी बट उसके बावजूद आपका रिस्पेक्ट एक इंच भी इधर उधर नहीं होगा उसी तरीके से मैं आप सभी लोगों से यही रिस्पेक्ट और रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे स्टाफ जो यहां पर काम करते हैं कुछ कारणवश काम करते हैं किसके जीवन में क्या स्टोरी है आपको नहीं पता होती है कौन क्या स्टोरी की वजह से काम कर रहा है थोड़ी ना पता है तुम्हें ये आपसे उम्र में शायद छोटे भी होंगे बट स्टिल दे हैव टू वर्क सो मैं आपसे यही अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे स्टाफ से प्रेम से बात करेंगे वो भी आपसे उतनी ही प्रेम से बात करेंगे ऐसा नहीं होगा कि वो आपसे कभी भी अरे बात करेंगे राइट right? तो उनसे प्रेम से बात करिएगा खाना जब भी कुछ खाओ करो मेरे क्लास में एक और रूल है कि बिना खाए पिए कोई क्लास में नहीं आएगा क्या वचन दे सकते हो क्या और अगर तुम्हें भूख नहीं लगती है, तो मेरा भरोसा मानो आपसे ये छोड़ दो क्योंकि हम सब लोग तो पापी पेट के लिए कर रहे हैं सब जब आपको भूख ही नहीं है तो आपकी तो सारी प्रॉब्लम हल हो जाती है फिर जाइए कहीं हिमालय में कहीं घूमिए करीब कुछ इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको इस क्लास में भूखे पेट आना मैं तो कहूँगा कि मना करता हूँ मैं क्योंकि मैं क्वांटिटी से ज़्यादा एफिशिएंसी पर बिलीव करता हूँ मैंने मेरे जीवन में सात आठ घंटे के पहले मतलब सात आठ घंटे से ज़्यादा पढ़ा नहीं है और आज भी ये लोग जब मुझे देखते हैं तो दे सी दैट आई डोंट स्टडी मच मतलब आई डू इट वेरी क्विकली एंड आई देन प्रोसीड अहेड इस जीवन में उन लोगों की कदर नहीं होती जो लोग क्वांटिटी पे भरोसा रखते और दिन भर क्वांटिटी के बारे में काम करते रहते राइट right? उनकी कदर नहीं होती कदर उन लोगों की होती है जो एफिशिएंटली काम करते हैं जल्दी काम करते उनके बारे में ज्यादा कदर होती है सो so, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है पढ़ाई के बारे में कि इट इज लॉट ऑफ हार्डवर्क इट इज अ टॉर्चर टू द बॉडी आई डोंट बिलीव दैट तुम बोलोगे रात को तीन बजे तक मैं जगा दो बजे तक जगा मुझे लगता है कि फिर वो सीए नहीं, नहीं है नहीं क्यों जरूरत क्यों तीन दो बजे तक जगने की क्या जरूरत है इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इनफैक्ट पढ़ाई तुम्हारे जिंदगी में से कभी बाहर जाने वाली नहीं है अगर तुम सीए कर रहे हो तो मान लो टैक्स की प्रैक्टिस करोगे तो यू हैव टू स्टे अपडेटेड क्लाइंट कोई नई स्कीम लेके आएगा अकाउंटिंग देखना पड़ेगा अरे कुछ ना कुछ तो हर बार नया चलता ही रहेगा ना सो यू शुड बिकम मोर एफिशियंट रादर देन फोकसिंग मोर ऑन द क्वांटिटी सो आई वुड ऑलवेज टेल यू दैट यू नो क्लास में जब भी आओ खाना खा के आना मुझे फ्रेश दिखनी चाहिए इधर क्लास में इंसानों को पढ़ा रहा रहे ऐसा लगना चाहिए गेटिंग माई पॉइंट क्या आप इस बात से सहमत हो क्या मेरी yes, क्लास में तुम खाना खा सकते हो द आंसर इज यस जस्ट दैट वॉट एवर यू डू यू नीड टू क्लियर इट ऑफ अपना किया हो गंदा अपन उठा के लेके जाने का बस बात उतनी ही है बट तुम मेरे क्लास में खा सकते हो हाँ मैं कभी भी आपका खाना छीन कर नहीं खाऊंगा तो छुपाने की कोशिश मत करना मतलब वो बहुत ऑकवर्ड लगता है नहीं ऐसे तुम खा रहे हो और खा मैं थोड़ी ना यार मतलब इतना गया गुजरा थोड़ी ना इतना जलील थोड़ी ना करूंगा यार मुंह से निकाल के खा लूंगा तो तुम आराम से इतमिन से इधर खाना खा सकते हो वो कोई दिक्कत नहीं जो भी जल्दबाजी करना है लेक्चर में आने के पहले वो घर पर करना रस्ते में कोई जल्दबाजी करते हुए नहीं आएगा यू आर गोइंग टू ड्राइव स्लोली इफ एट ऑल यू हैव गॉट एनी व्हीकल यू आर गोइंग टू ड्राइव स्लोली कम स्लोली ईयर और इन द अदर वर्ड इन अ प्रिंसिपल मैनर यूर कम या तो कोई भी जल्दबाजी रस्ते पर नहीं करेगा आपको आराम से आना है एग्रीड मेरे क्लास में अगर आप लेट आते हो इट्स नॉट एडवाइजेबल बट जेन्युन रीजन के लिए अगर लेट आए मतलब अगर, अगर रेगुलरली लेट आ रहे हो तो फिर भाई मैं नहीं एंटरटेन करता है बट अगर आप किसी कारणवर्ष लेट आ रहे हो <coughs> तो टेंशन तो मत लेना आप आराम से आ सकते हो यूल सो रादर देन मिसिंग द क्लास आई वुड टेल यू दैट यू कैन कम लेट इन द क्लास सो बिकॉज ऑफ एक्सवाइजेड रीजन इन केस यू नो यू हैव टू कम लेट आई एम ओके विद दैट इज दैट ओके इस पूरे माहौल में इस पूरे प्रोसेस में एक चीज का ध्यान में रखना कि आप और मैं इस जंग में एक साथ एक साइड में है डरने की कोई बात नहीं है डरने की कोई जरूरत नहीं है और पढ़ाई पर पूरा फोकस रखना ठीक है तो यहां तक तो हो गई ये बाकी की बात है अब आपको साथ पढ़ाई की बातें करते पीएल में आपने क्या किया क्योंकि ये ग्रुप टू की क्लास अरे हाँ और एक बात बताना कैसे भूल गया आई हाउ डू फॉरगेट इट मैं ऐसा मानता हूं कि जब तुम छह महीने के थे तो तुम्हारी जो गर्दन है वो संभल चुकी थी मतलब फिर अब ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है जिस प्रकार का तुम्हारा आचरण रहेगा बिहेवियर रहेगा मैं मानता हूं कि सेम तरीके से मैं भी बिहेव कर सकता हूं डू यू अलव मी टू यॉन इन द क्लास कैन आई यॉन इन द क्लास मैं पढ़ाते पढ़ाते ऐसे करूंगा और पढ़ाऊंगा चलेगा क्या तुमको जो चीज तुम मुझसे अपेक्षा नहीं रखते हो मैं सेम शिक्षा आपसे रखता हूं कुछ गलत कर रहा हूं मुझे लगता है सही है समझेगा झम प्या तो बेटा जी क्लास में ऐसे रहना अरे मस्ती करो तुमको क्या बोल रहे हो जोक्स जोक वोक्स मारने का मस्ती करने का और तुमको पता मुझे क्यों बोल रहा हूं मैं मैं बोला ना डे वन इज वेरी ऑकवर्ड क्योंकि यू आर नॉट बिहेविंग वॉट यू ओरिजिनल आर एंड आई एम नॉट बिहेविंग वॉट ओरिजिनल आई एम सो देन हम दोनों एक दूसरे को इंप्रेस करने में लगे हुए हैं सो दैट्स वेयर द होल प्रॉब्लम इज सो वंस वी स्पेंड सम टाइम सो हनीमून पीरियड वुड बी ओवर एंड तब पता चलेगा अच्छा ऐसे है इट लिटरली इज अ फ्रेज अब आगे बढ़ते हैं सो so, मैं आपसे ये पूछ रहा था पीएल में आपने क्या किया पीएल इज रिलीफ क्या किया साहब लिखा बहुत बढ़िया बहुत जोरदार बहुत बढ़िया तो इस बच्चे ने लिखा एक बच्चे ने टेस्ट दी और ऐसा कितने बच्चों को लगता है कि जो पढ़ाई है उसकी एफिशिएंसी और इंप्रूव की जा सकती थी नॉट आर्स नॉट आर्स नॉट आर्स ऐसा कितने बच्चों को लगा कि एफिशिएंसी और इंप्रूव की जा सकती है मतलब पढ़ाई और एफिशिएंटली की जा सकती थी आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल कि एटलीस्ट वी आर एग्रिंग ऑन दैट व्हेन मेजॉरिटी ऑफ यूर एग्रिंग देन दैट डिसीजन विल नीड टू बी टेकन अप राइट नाउ मैंने स्टार्टिंग विद विद्रू टू बिकॉज टू फेस द सेम प्रॉब्लम अगेन एंड क्रिएट द सेम प्रॉब्लम फॉर प्रब्लॉफ अगेन सेम प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं नहीं mm -hmm. किसको इस क्लास में से चाहिए कि कुछ आकांक्षाएं होती होंगी तुम्हारी भी जिंदगी में किसको ऐसी इच्छा है जिंदगी में कि वो बहुत धूमधाम से शादी करेगा बहुत बड़ी शादी करेगा वाह हमारे यहां पर नहीं नहीं हमारे यहां पर ब्रह्मचारी लोगों को नमस्ते करते तो मैं ये कर रहा हूं शारी शारी हाँ तो मैंने तो इसलिए नमस्ते किया ना सर तो। <laughs> मेरा नमस्ते ऑफिस लिया मैं, मैं बता नहीं पा रहा हूं अच्छा तो धूमधाम से शादी करनी है राइट बराबर है ना गड ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहो ना तुमको नहीं करनी बाकी शादी धूमधाम hmm. से नहीं करने की है बहुत भारी ऐसा लाविश ग्रैंड मैरिज करने का है ना झकास वाला तो मैं अभी आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं मुझे बताना सो विजुलाइज करो योर मैरिज कैसी स्माइल है उस बच्चे के जरिए सो यूर विजुअलाइज योर मैरिज हाँ सो सपोज योर मैरिज इज शेड्यूल्ड ऑन फोर्टीन फेब मैं अभी भी अकाउंट से पढ़ा रहा हूँ आई एम स्टिल टीचिंग दी अकाउंट्स ओनली लिया मतलब तुमको कंफ्यूजन होते रहेगा बट आई डोंट गिव डैम बेटा सो so, मैं अभी भी तुमको अकाउंट से पढ़ा रहा हूँ सो आई एम सेइंग 14 फरवरी लेट्स से आज भी कौन सा ईयर चल रहा है 22, 22. एक काम करते ना फोर्टीन फेब्रवरी को आपकी शादी करने की यू सिलेक्टेड ग्रेट डे डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह वगैरह राइट सो अब मुझे बताओ कि तुम्हारे शादी को बचे हुए समवेयर अराउंड वी आर देयर इन द मंथ ऑफ जैन लेट मी राइट डाउन फोर्टीन नहीं ठीक है फिफ्टीन ऑगस्ट को है 14 फरवरी को अगले साल आपकी शादी होने वाली है, हैप्पी सो सेम अमाउंट पीएल की भी होती है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब सेम एग्जाम पैटर्न मैंने फॉर्म कर दिया अब मैं आपसे पूछता हूं कि शादी करने के लिए आपका मान लो तीन दिन का फंक्शन है उसमें तीन घंटे का रहेगा मे बी यू नो रिसेप्शन राइट तो मुझे एक बात बताओ कि आप क्या क्या चीजें प्लान करोगे पहले

यस yes नो no? yes, yes. मतलब आप वो हर चीज की प्लानिंग करने की कोशिश करते हो इन डिटेल जो आपको क्या करना है तीन दिन में उस समय एक्सपीरियंस करनी है यस yes नो no? yes. आपके पास हर एक चीज आप वीडियोस देखते हो राइट यू सी ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोग्राफ थीम्स दिस दैट वगैरह वगैरह हर चीज प्लानिंग पहले होती है कि नहीं होती है एंड देन इट कम्स ऑन द पेपर एंड देन इट इज इंप्लीमेंटेड हर एक चीज राइटिंग में होती है हर एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ राइटिंग में होता है कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा यस और नो या सब चीजें वर्बली ओरली होती है कॉन्ट्रेक्चुअली होती है ये सो नो yes, अब मैं आपको वही चीज बता रहा हूं थिंक इन द सेम लाइन थिंक लाइक अ लॉयर आपको वो तीन घंटे की तैयारी करनी है या आज क्लास नहीं कर रहे हो आप तुम्हारा पास या फेल होना रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करेगा पास या फेल तो तुम अभी होना शुरू हो जाओगे तुम्हारे हर समय दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए कि मैं वो तीन घंटे की तैयारी कैसे कर रहा हूं तो उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख कर दूंगा वो पॉइंट्स आपने करने हैं पॉइंट नंबर वन सभी बच्चों के पास प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक टॉपिक का एनालिसिस होना चाहिए कि पास्ट में ये क्वेश्चन या ये चैप्टर कितनी बार आया दिस इज मस्ट कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा रिलेवेंट है कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी रिसर्च इसकी एनालिसिस आपने आपके बेसिस पर करनी ही चाहिए मैं तो करवाऊंगा बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो डू दिस एनालिसिस क्योंकि ये एनालिसिस फिर जाकर आगे रिपीट होती है तो पॉइंट नंबर वन इज क्लियर टू एवरी वन क्या करना पड़ेगा यू हैव टू डू एन एनालिसिस रिसर्च एंड यू हैव टू वर्क अराउंड वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दी एग्जाम्स पॉइंट वन क्लियर पॉइंट नंबर टू सो फर्स्ट वन वॉज एनालिसिस पॉइंट नंबर टू आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा इजी थी रीडिंग द टेक्स्ट बुक वॉज मोर इजियर इन द ग्रुप वन और रीडिंग थ्रू द चार्टर मोर इजियर

बुकलेट आ गए होंगे ना ये नहीं मेरी बुकलेट प्रिंट होके आ गई होगी ना अरे तुला कहते बुक्स घू न खलना नवीन हे घू हे इतने नोट्स है ठीक है सो so, मैं आपसे सेकंड चीज क्या बोला था बेटा कि आपको चार्ट्स बनाने चाहिए आपको आपके खुद के सेल्फ नोट्स बनाने चाहिए तुम किसी और के कॉपी करोगे फायदा नहीं होगा तुम किसी और के कॉपी करोगे फायदा नहीं होगा अगर आप खुद से बनाओगे तो ही फायदा होगा नहीं तो नहीं होगा सो so आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यू शुड क्रिएट अ चार्ट राइट यस कैन वी नाउ गो है बाद में थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या तुमने सारे क्वेश्चन रिवाइज किए थे क्या डिड यू रिवाइज ऑल द क्वेश्चन बोलो मुझे जल्दी से क्या किया था तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सारे एडजस्टमेंट इंक्लूड हो जाने चाहिए क्या जो यूनिक यूनिक्वेश्चन है वो सारे कर जाने चाहिए क्या क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस तभी बूस्टअप होगा जब आप सारी यूनिक चीजें कर कर गए हो और आपको पता है कि मुझे ये चीज आती है कॉन्फिडेंस नॉट बी बूस्टेड अप आर्टिफिशियली रिमेंबर ऑलवेज कॉन्फिडेंस को पहले क्या चीज आती कॉन्फिडेंस की पहले चीज क्या आती पता है क्या कॉम्पिटेंस सॉरी कॉन्फिडेंस विल ऑलवेज फॉलोडें कॉम्पिटेंस यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस कॉन्फिडेंस विल ऑलवेज फॉलो वॉट कॉम्पिटेंस अगर आप कॉम्पिटेंट हो तभी आप कॉन्फिडेंट दिखोगे और कॉम्पिटेंस कहां से आता है आपके पास अगर आप प्रैक्टिस करते हो अगर आपको वो उसका कंटेंट कॉन्सेप्ट पता है तभी आप बोल सकते हो कि आई एम कॉम्पिटेंट इनफ टू गिव दिस एग्जाम अदरवाइज यू फील दैट सो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी कि आप सभी लोगों ने वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना कब से शुरू करना है राइट ना हाउ सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स important questions important i don't know why people are writing on the last page i think this is a demo lecture oh, i am so sorry i just forgot right so <laughs> what are you going to write down next uh, I, I I said you what identify, identify the important, questions. important important, questions right perfect now what is the fourth thing which you should be aware about kidney but you paper complete way group one can say paper complete way देर आर थ्री पीपल इन दिस होल क्लास जो बोलते हैं कि मेरे पेपर कंप्लीट हुए बाकी के बच्चों के पेपर कंप्लीट हुए मैंने कहा पेपर कंप्लीट हुए चारों के चारों अब मुझे बताओ इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी हमारी कि हमें आता है और हम लिख कर नहीं आ पाए यह बदनसीबी है क्या नहीं है हमें आता है हम कर नहीं आ पाए और जिसकी वजह से हम पीछे रह गए यार इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी सो so, हमें जो फोर्थ एरिया है जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारा पेपर कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर तुम्हें देखकर थोड़ी ना जज कर रहा है और वो तुम्हें जज करेगा सिर्फ तुम्हारे पेपर से उस तीन घंटे के विंडो में सो so, आपको पेपर कंप्लीट करते आना चाहिए सो so, पेपर कंप्लीट करने के लिए आप अगर एग्जाम के पहले करोगे तो कुछ फायदा नहीं है इस बच्चे ने आने के साथ ही बोल दिया था कि मैंने क्या किया पीएल में सो ही सेड आई हैव जस्ट रिटर्न रिटर्न एंड रिटर्न हैव डन द राइटिंग प्रैक्टिस सो इफ यू अलाव मी अ कपल ऑफ मिनट्स आई विल हेल्प यू आउट विद दिस

जैसे आप एग्जाम में बिहेव करने वाले हो आपको बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है वही सारी वर्किंग नोट्स करनी है जो आप एग्जाम में करने वाले हो अगर आप ये नहीं करते हो इधर तो मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि आप वहां पर भी नहीं करने वाले हो इंटरव्यू में आपसे एक गलती होती है ना यू आर रिजेक्टेड आउट ऑफ द इंटरव्यू डी नो द रीजन वाई बिकॉज द बिलीव दैट वट डन इन द इंटरव्यू द हाउ ही हैज कम अप इन द इंटरव्यू जैसी उसकी बॉडी लैंग्वेज है वैसा ही व्यक्ति है राइट कंसिस्टेंसी इज अ ग्रेटर वर्च्यू बेटा देन टैलेंट टैलेंट से कुछ हासिल नहीं होता विनोद कामली वॉज वे मोर टैलेंटेड देन सचिन तेंदुलकर आई एम श्योर यू मस्ट नॉट है आचर्य कर जो उनके गुरु थे वो बोलते हैं कि विनोद कामली वॉज वे मोर टैलेंटेड देन सचिन तेंदुलकर बट सचिन तेंदुलकर वॉज वे मोर कंसिस्टेंट देन विनोद कामली सो कंसिस्टेंसी तुमको दिखानी पड़ेगी तुम्हारे बिहेवियर में विन यू आर राइटिंग सो so, अगर तुम क्लास में आते हो और बोलते हो कि मैं स्केल पेंसिल यूज नहीं करूंगा अगर मैं तुमको दो बच्चों के पेपर चेक करने के लिए दे दूंगा और तुमको कहूंगा कि तुम्हें फिफ्टी परसेंट ही रिजल्ट लगाना है और भरोसा मानना फिफ्टी परसेंट के ऊपर रिजल्ट लगता नहीं है आई एम इट ऑन द हायर साइड मैं एक पेपर तुम्हारा दूंगा और एक पेपर दूसरे व्यक्ति का दूंगा और तुम्हें कहूंगा कि फिफ्टी ही रिजल्ट लगाना है तुम पेपर चेक करोगे तुमने लाइंस ड्रा नहीं किए दूसरे बंदे ने लाइंस ड्रा किए पूरा सही सॉल्व किया है दूसरे बंदे ने सारी वर्किंग नोट सही किए तुमने भी सही किया बट तुम्हारे वर्किंग नोट्स इतने प्यारे नहीं है इतने परफेक्ट नहीं है आप मुझे बताओ आप किसे पास करोगे खुद को या दूसरों को जब आप खुद रहते हुए दूसरों को पास कराओगे नए कहा है कब तक आएंगे माधुरी दो तारीख को आएंगे दो तारीख को ठीक है मैं आपको ऐसे ही दिखा दूंगा ऐसे तो अब तक ये बात पहुंची क्या बेटा जी सी ए में लक अक कहाँ पे है यार तू मेहनत कम करेगा तो मार्क्स भी कम ही मिलेंगे ना तू बोलेगा कि मुझे कम करना है मैं लाइंस ड्रा नहीं करेगा मैं वर्किंग नोट्स नहीं बनाएगा मेरे को आता है सब कुछ बट वन गिव्स अ डैम शिट अबाउट इट राइट पल वॉन्ट इट टू बी एक्ट परफेक्ट तुमको सला होटल में तुम खाना खाने जाते हो कोई एक चीज परफेक्ट नहीं रहती है वहां पर सारी चीज परफेक्ट रहेगी एक चीज परफेक्ट नहीं होती है यू फील इरिटेटेड यू फील एगिटेटेड यू डोट गो बैक टू दैट होटल लास्ट बाई दैट होटल फॉर वन स्मॉल मिस्टेक सो यर आई बिलीव दैट यू हैव टू बिकम गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपको हर छोटी चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा राधर देन फोकसिंग ऑन बिग थिंग्स क्योंकि छोटी चीजें लेकर डूबती है पेपर कंप्लीट नहीं होना बहुत बड़ी बदनसीबी है बेटा बहुत बड़ी बदनसीबी मतलब मुझे इससे बुरा कभी नहीं लगता है कि जब आदमी को बच्चे को आ रहा है मुझे पता है और वो क्यों फेल हुआ बेचारा क्यों लिख कर नहीं आ पाया राइट सो द थर्ड फोर्थ पॉइंट विच आई हैव हैव टोल्ड यू यू इज दैट टू राइट ऑन है क्या क्या लिख ला यू हैव टू राइट वॉट यू हैव टू डू राइटिंग प्रैक्टिस नीड टू डू राइटिंग प्रैक्टिस राइट टेस्ट सीरीज need to do writing practice agreed अच्छा क्या प्रत्येक पेपर में पास होना ग्रुप वन में इजी था क्या व्हाट वाज द स्ट्रेटजी फॉर ग्रुप 1 अकाउंट्स कोई स्ट्रेटजी नहीं था ऐसे ही बैठा जाके कुछ तो स्ट्रेटजी रहा होगा ये ये टॉपिक करके चले जाते ये टॉपिक छोड़ के चले जाते हाँ भाई साहब क्लास uh, के टाइम पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपर्ली करने की कोशिश करना थी उसके बाद जब क्वेश्चंस

चालीस मार्क मिलाना मुश्किल है जेन्यूनली चालीस फोर्टी इज डिफिकल्ट फोर्टी तो ऐसे आ जाते हैं, स्ट्रैटेजी चाहिए स्ट्रैटेजी में आपका सब्जेक्ट का एनालिसिस पहले लेवल पर होता है फिर प्रत्येक टॉपिक में प्रत्येक टॉपिक में आपके पास ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, वो चार्ट से हो जाएगा और कौन से क्वेश्चंस करने यह भी आपको पता चल जाएगा चार्ट से अब पास होने की स्ट्रैटेजी क्या है कि जो एग्जाम में कंपलसरी आता ही आता है वो चीज छूटनी नहीं चाहिए क्या हम ऐसी चीज छोड़ के जा सकते हैं क्या एस एएस का वेटेज अगर थर्टी मार्क्स का है ट्वेंटी मार्क्स का है और एस बच्चे कैसे करते हैं भिखारी के जैसे बिहेव करते हैं यू अंडरस्टैंड भिखारी भिखारी क्या करता है बताओ मुझे क्या करता है भिखारी भिखारी ये बोलता है मैं कुछ नहीं करूंगा मुझे दे दो ए एस के लिए इतनी बड़ी विडंबना है दिस इज सो वेरी बैड अबाउट द किड्स दैट दे डो वॉन्ट टू डू एनीथिंग और बोले हमें ए एस में मार्क्स दिला दो सर मुझे बताओ ऐसे भिखारी को कौन मार्क्स देगा मार्क्स इज मनी फॉर यू यू गेट मार्क्स यू बिकम सी ए यू गेट मनी भिखारी की जिंदगी जिल्लत की जिंदगी नहीं जीने की यहाँ लाचारी पतका रही चीना ही क्या हो रहा है लाचारी कैसे हो गई आप बोलते हो कि मैं कुछ करूंगा नहीं मैं ए एस पढ़ूंगा नहीं मेरे को मेहनत नहीं करनी है और मुझे मार्क्स चाहिए लास्ट मोमेंट पर इतने बच्चे बोलते हैं कि सर ए के लिए कोई शॉर्टकट दे दो होते होंगे दुनिया में देते हैं शॉर्टकट बट अब बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर बोल रहा हूं तुमसे मैं रहूंगा शायद पागल बट मैं आपको इतनी बात बता सकता हूं कि जीवन में तुम्हें इज्जत जुगाड़ से नहीं मिलने वाला है कंटेंट और कॉन्सेप्ट से ही मिलेगा आज तुम मेरी इज्जत इसलिए नहीं करोगे कि अगर मुझे कुछ नहीं आता और मैं आके खड़ा हो होगा इधर तुम तुम्हारे भाई की भी इज्जत नहीं करोगे अगर वो बराबर से नहीं पढ़ाएगा अगर उसको कॉन्सेप्ट है कंटेंट नहीं पता है तो तुम इज्जत कंटेंट की करते हो तो तुम्हारी भी इज्जत वैसे ही होने वाली है तो इस क्लास में भिखारी पाना मेरे को बंद चाहिए करना कुछ नहीं मेरे को मार्क्स दिला दो मेरे को भिखारी पसंद नहीं है तुम्हारे पास एक ही चीज है भगवान ने सब लोगों को अलग अलग बना के भेजा है राइट किसी की फाइनेंशियल पोजिशन अच्छी है किसी की नहीं है किसी के पेरेंट्स सपोर्टिव है किसी के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है किसी का घर बड़ा है किसी का घर छोटा है कोई दिखने में अच्छा है कोई दिखने में अच्छा नहीं है वगैरह 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 देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच गॉड हैज यू नो क्रिएटेड डिफरेंसेज इन यू बट ही हैज गिवन वन सिंगल थिंग विच इज कॉमन अमंग्स यू और वो आज की तारीख में आपसे कोई नहीं छीन सकता है और वो है आपका समय ट्वेंटी फोर आवर्स इस ट्वेंटी फोर आवर्स को भिखारी के जैसे यूज मत करना इसको यूज करना इस तरीके से कि अगर आप करो इफ यू डू इट देन टेल गॉड बॉस आई डिजर्व इट प्लीज गिव इट टू मी ऐसा कैसा पॉसिबल है कि तुम करोगे और तुमको नहीं मिलेगा कैसा पॉसिबल होता है ना मेरे को तुम कुछ भी देख लो कोई भी चीज़ देख लो सारी चीज़ वर्क करती है ऑन सिस्टम सो इनपुट प्लस प्रोसेस यू विल गेट what आउटपुट तो इस क्लास में भिखारी वाली स्टेटस नहीं चाहिए अपने को मेहनत करने को तैयार है अगर मैं नहीं करूँ तो जूती निकाल के मार देना और क्या बोलूँ बताओ क्योंकि मुझे मजा आता है यार पढ़ाने को मैं दिल से ग्रूम करना चाहता हूं बच्चे को मेरा बच्चा है ना मेरे को ऐसा घर महसूस होना चाहिए यार भेंडी है देखो ये जा रहा है मेरा बच्चा। और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम दुबारा लौट कर प्रेस्टीज पॉइंट पर आओ मेरी इच्छा ही नहीं कि तुम प्रेस्टीज पॉइंट पर आओ मेरी इच्छा है कि तुम ऐसी जगह जाओ साला कि हम तुम्हारे पास आए इधर भटकते मत रहना कि सर रिविजन क्लास है क्या सर यह सफिशियंट वाई है Why that insecurity? कि मैं पास होएगा कि नहीं होएगा? एक बार पूरा हंड्रेड परसेंट देना पास होएगा नहीं क्या मेरे पास भिखारी बैठे हुए हैं क्लियर <laughs> अच्छा अभी बोलना ईजी है बोलना इज वेरी इजी बट मैं तुमसे इम्प्लीमेंट कराते रहूंगा धीरे धीरे और धीरे धीरे तुम करते रहोगे सो so, अभी तक हमने कितने पॉइंट लिख दिए नंबर वन वॉज वॉट

जितने भी क्वेश्चन है उसके नीचे एक बॉक्स रहेगा जिसके अंदर आप उसकी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लिख सकते हो उसको रिवाइज करना है कि नहीं करना है उसके लिए जगह छोड़ी गई है शुरुआत में एक सुप्रीम इंडेक्स होती है जिसके अंदर आप कौन से कौन से क्वेश्चन एग्जाम के पहले रिवाइज करना है सारी चीजें लिख सकते हो फोर्थ चीज जो है कि हा राइटिंग प्रैक्टिस राइट और फिफ्थ पर मैंने बोला था कि आप भिखारी नहीं बनोगे भिखारी नहीं बनोगे मतलब क्या है बेटा जी कि हम हर एक चीज करेंगे मतलब मॉड्यूल में आ गया तो समझ लो हमारे बाइबल में आ गया तो यू विल बी सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंक्लूडिंग 2021 क्वेश्चन पेपर ट्वेंटी 2021 का जो पेपर हुआ था वो भी आप सॉल्व करेंगे और ये सारी चीजें हम करेंगे एग्रीड क्लियर चलो एक बात पूछ लेता लास्ट सच्ची घटनाओं पर आधारित आपको एक चीज बता रहा हूं वो सच में हुए सो है सो जिंदगी क्या सबके साथ इतनी हसीन नहीं रहती जितनी हसीन हम सब लोगों के साथ है तुम सब लोग लकी हो इन द एसी, सो वन ऑफ माय स्टूडेंट शी लॉस्ट हर हस्बैंड एंड शी हैड अ किड एंड देन शी डिसाइड्स दैट आई वांट टू डू सी ए कैन यू इमेजिन हाउ लाइफ इज हार्श फॉर हर देखो वापस से बता रहा हूं वन ऑफ माई स्टूडेंट शी लॉस्ट क्यों कर रहे हो चेंज क्या प्रॉब्लम हो रही है सो वन ऑफ माई स्टूडेंट शी लॉस्ट अर हजब एंड शी हैड अ चाइल्ड चाइल्ड वॉज स्मॉल ऑफकोर्स एंड नाउ शी वॉन्ट्स टू डू सी लाइफ इज मिजरेबल शी डजेंट फाइनेंशियल सपोर्ट शी सम हाउ मैनेजेस द क्लासेस एंड शी हैज टू टेक केयर ऑफ द होल फैमिली उस बंदी ने एक ही बार बोला कि सर अगर क्लास में ध्यान देकर पढ़ लूँगी ना तो सी हो जाऊँगी सर उसने क्लास में जी जान लगा दी पूरी और क्लास में एकदम अटेंटिव रही सी बन गई वो शी इज गिविंग गुड लाइफ टू हर सन तुमको समझना है तुम क्लास में बैठे हो ना तुम सीए अब बन रहे हो बाद में सिर्फ रिजल्ट आने वाला है तुम्हारा जो बिहेवियर रहेगा वो मैटर करेगा तो बिहेवियर में मतलब क्या मैं ये नहीं बोलता कि इस के बच्चों ने मस्ती नहीं करनी चाहिए मैं तो so, जरूरी है क्योंकि अगर होमवर्क नहीं करोगे तो जैसे डांस मूव्स कच्चे रह जाते हैं म्यूजिक कच्चा रह जाता है स्विमिंग कच्ची रह जाती है जिम कच्चा रह जाता है आपकी बॉडी कच्ची रह जाती है ये सो नो दिखाना थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है भाई कि मैंने तुमको दिखा दिया कि ऐसे करते बेटा जिम तू देख देख कर थोड़ी ना तेरी बॉडी बन जाएगी मैं तुम्हें बता दूंगा ऐसे स्विमिंग करनी है थोड़ी ना ऐसे स्विमिंग तुम करने लग जाओगे तुम कब स्विमिंग करोगे जब तुम उतरोगे पानी में जब तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें कब डांस आएगा देख देख कर थोड़ी ना मैं तो हर रोज देखता हूँ नोरवती को पसंद है मुझे अच्छी लगती है पर जब मैं नाचता हूं तो मेरी गुड़िया हंसती है मुझ पर वो बोलती है हर बार इंस्टाग्राम पर कि सेंड मी योर वीडियोज आई थिंक ऑफ सेंडिंग इट मजा करोटिंग do बोले, बोले आदमी <laughs> नहीं नहीं मजाक कर बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मैं नाच कर भेजना चाहूँ तो भेज सकता हूँ क्या नहीं क्योंकि मैं उसको देख रहा हूँ आई वॉज never पार्ट ऑफ द डांस यस आर नो सिमिलरली शी कै नॉट टीच लाइक मी सो आपको हिस्सा बनना पड़ेगा इस स्टडीज का बस फिर हो जाएगी काम चीज़ें आसान है एकदम अगर करोगे तो और तुम सोचोगे कि मैं शक्तिमान बनूंगा मैं सुपरमैन बनूंगा सब कुछ लास्ट में करूंगा तो तुम्हारे से बड़ा सी कोई नहीं है चंपक <laughs> मुझे भी किसी क्लास में किसी बच्चे ने बताया मुझे भी नहीं पता था आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट एग्रीड सभी को समझ में आ गया तो कौन से कौन से पांच पॉइंट एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या बोलते हैं भे एनालिसिस ऑफ द टॉपिक कौन से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है सेकेंड सो क्रिएट चार्ट एंड ऑल और चार्ट नहीं बनाते हो तो क्या होता है कि आपको एग्जाम के पहले रिवीजन करने में मौका नहीं मिलता ऐसा तुम्हारे साथ में हुआ होगा अभी अभी के एग्जाम में कोई एक कॉन्सेप्ट आया होगा एग्जाम में और वो तुम्हें ये याद आ रहा है कि पढ़ा हुआ है बट क्या पढ़ा हुआ है वो याद नहीं आ रहा है डेफिनेशन <laughs> याद नहीं आ रहा है ये ये पढ़ा याद है कि लिखा हुआ था ये राइट साइड पेज के नीचे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है बट सलाह याद ही नहीं आ रहा अभी हुआ क्या एग्जाम में ऐसा तो बेटा जी ये चार्ट से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है सेकंड कॉन्सेप्ट इज क्रिएट चार्ट थर्ड पॉइंट आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फोर्थ पॉइंट भिखारी नहीं बन फिंट भिखारी नहीं बनोगे सो यू आर गोइंग टू डू ऑल द्वेश्चन अग्रीड तो अभी मैं इसके बारे में सब कुछ बता दूं आपको कि हम इसको किस किस तरीके से टैकल करेंगे इज योर टेक्सट बुक विच है अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं वो प्रिंट हो गया ही नहीं है अभी तक सी ए विद्या बुक ऐसे आपको छ यूनिट्स मिलेंगे और ये उसका फ्रंट कवर है जो बच्चे अभी बैच ज्वाइन कर रहे हैं सो गेट टू नो दैट दिस इज द फ्रंट कवर खुल जा सिम सिम सो दिस इज गोइंग टू बी द फ्रंट कवर ऑफ द बुक ओके एंड दिस इज सी इंटर यूनिट वन एडवांस्ड अकाउंट्स अब इस बुक के अंदर मैंने किस तरीके से किया है फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक शिट so if you are starting with the first topic dissolution of partnership firm so इसका attempt wise analysis आपको यहां पर मिलता है so as i said you need to have an analysis of each topic so here you will get analysis analysis अंदर dissolution हर एक एग्जाम में कितने marks के लिए आया हुआ है कितना important है so it ranges from 5 marks to 25 marks ek ek exam mein 25 marks ke liye aaya hai aur ye sare questions main aapse karunga to aapko wo easy chal jayega ट्वेंटी फाइव टू फाइव मार्क्स का वेटेज है इस टॉपिक का एक एक्साम्पल दे रहा हूं और दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपका भिकारी नहीं बनने दूंगा तुम्हें मेरा रूल यह है कि जितने भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के अंदर है आर के अंदर है भले वो कभी की भी है अभी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर अवेलेबल है या नहीं उसे फर्क नहीं पड़ रहा है जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपके मैं कवर करवा दूंगा आपको मैं एक छोटी सी क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं छोटा सा क्वेश्चन कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि मॉड्यूल के अगर सारे क्वेश्चन आते हैं तो ग्रुप वन आराम से पास हो सकते हैं फर एज अकाउंट्स इज कंसर्न अगर मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात करूँ कि मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई साहब हम अकाउंट्स में पास हो जाएंगे तुम्हें नहीं लगता ऐसा तुम ग्रुप वन देखे आए हो कि नहीं देखे आयोग हाँ तो फिर तुम्हें कहां से लगेगा बात सही है सो so, कुल मिलाकर जो बच्चे पेपर दे के आए उन सभी बच्चों को यह बात पता है कि अगर हम सिर्फ मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन अगर हमें आ जाए मॉड्यूल आरटीपी मॉक पेपर Right, suggested, अगर हमें सारे questions आ जाए टेक्निकली, बराबर से तो हमें कोई भी पास होने से रोक नहीं सकता yes no? so, बेटा जी कुल मिलाकर आपको यहां पर एक प्रूफ रहेगा कि मैंने इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे कवरअप कर लिए yes no? so, मैंने आपको लिएकेंड चीज बोला था कि भिखारी नहीं बनने का भिखारी बनने नहीं दूंगा अगर आप ये सॉल्व कर लो सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी कि बेटा जी आपको यहां पर जो जो इसके स्पेशल पॉइंट्स है वो सारे स्पेशल पॉइंट्स लिखने होते हैं कौन सा क्वेश्चन रिवाइज करना है तो फॉर मुझे ऐसे लगता है कि क्वेश्चन नंबर मुझे रिवाइज करना है सो आई आई डू इज राइट डाउन रिवाइज बिफोर एग्जाम राइट अब ये रिवाइज बिफोर एग्जाम के बाद अगर मान लो मुझे क्वेश्चन नंबर थ्री में जाना है सो क्वेश्चन नंबर थ्री यहां पर जब मैं जाता हूं तो उसके नीचे एक बॉक्स दिया रहेगा आपको इस बॉक्स को सही से यूज करना एक इधर ये टू और ये थ्री इसके अंदर ही एक बॉक्स दिया रहेगा इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स लिखनी है जो भी है चीजें उसको हाईलाइट करनी है अगर आप हाईलाइट कर करके सारी चीजें लिख कर रख दोगे आपके पास सो क्वेश्चन नंबर थ्री मेन इंडेक्स में पता चल गया उसमें समरी मिल जाएगी पूरी आपको एक गो में कि डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मुझे पूरा का पूरा रिवाइज करना है तो आपने जो जो क्वेश्चन को रिवाइज बिफोर एग्जाम लिखा है उसके अंदर क्या रिवाइज करना है वो आप यहां पर लिख कर रख सकते हो एग्रीड इसमें समय बहुत कम जाएगा बट यू लेबल टू क्रिएट अ एड डिफरेंस तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी किसको करना पड़ेगा आपको ठीक है उसके अलावा बेटा जी जितने भी एग्जाम क्वेश्चंस है ये सारे एग्जाम क्वेश्चंस कोशिश करता हूं कि आप सॉल्व करो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं उसके बाद में आप उस एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करो और एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आप ऑन टाइमर यह आपको किस चीज से बचाएगा कि आपका अगर पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका पेपर कंप्लीट हो क्योंकि क्लास में पढ़ाना इजी है But वो तुझे जाकर वहां इंप्लीमेंट करना मुश्किल जा रहा है ना पेपर लेंदी आ रहा है क्या करेंगे तो हमारे यहां पर एक सिंपल लॉजिक है कि अगर मान लो टेन मार्क्स का क्वेश्चन आया और तुम्हें मिलते वन एट्टी मिनट्स टेन मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कितने मिनट्स मिलने चाहिए एट एन एवरेज एटीन मिनट्स सो आपको एटीन मिनट्स में उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए मैं टारगेट देता हूं एंड यू हैव टू ट्राई डूइंग इट अलॉन्ग विदर्किंग नोट विद द बेस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन नॉट विद जस्ट कि करना है अब ऐसा हो सकता है कि उसमें आपके क्वेश्चंस कंप्लीट ना हो बट उससे कोई दिक्कत नहीं उसमें आपकी हार है ही नहीं ना अगर मान लो यही चीज आपको एग्जाम में जाके पता चल रही तो प्रॉब्लम है अगर यही चीज पहले पता चल रही तो वी कैन एटलीस्ट इंप्रूव ऑन इट इफ नॉट कंप्लीटली इंप्रूव इट कंप्लीटली रेक्टिफाइड एटलीस्ट वी आर इंप्रूविंग आर स्कोर तो इसमें लॉस की गुंजाइश नहीं है ऐसा कई बार बच्चे नहीं कर पाते मैं देखता हूं और उसमें लॉस की गुंजाइश नहीं आपको कम से कम वो पता होना चाहिए कि आप कहां कहां पर पर वीक हो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है उस किया जाता तो अभी तक हमने राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में बात कर ली मैंने आपको इंडेक्स के बारे में बात कर ली मैंने आपको यह बोल दिया कि आप भिकारी नहीं बनोगे राइटिंग प्रैक्टिस के अलावा राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपके साथ और एक चीज कराऊंगा सो इफ यू कम ऑन पेज नंबर ये यहां पर जब आप देखोगे तो उधर एक चीज है टेस्ट इन टाइम पास इन टाइम प्रत्येक टॉपिक के नीचे एक टेस्ट पेपर दिया हुआ है प्रत्येक टॉपिक के नीचे एक टेस्ट पेपर दिया हुआ है यह टेस्ट पेपर ना क्लास में सॉल्व होगा राइट इसका डिस्कशन किया जा सकता है बट यह पेपर आपको लिखना होगा मोटो ऑन योर ओन जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा वो पेपर आपको लिखना जरूरी है अगर आप ये पेपर लिखते हो तो बेटा जी उस टॉपिक का आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होता है समझ आ रही बात ध्यान में इफ यू आर एबल टू इंप्लीमेंट इट योर कॉन्फिडेंस इज एट द नेक्स्ट लेवल सो so, बेटा जी राइटिंग प्रैक्टिस में ये चीज है और कौन सी चीजें लिखी थी बेटा जी हमने चार्ट आपको बनाने पड़ेंगे चार्ट के लिए मैंने क्या किया है की नोट्स किया है की नोट्स से कह भाई एक की नोट्स ला के देना मैं बता दूंगा इन बच्चों को भी सो so, आपको मेरी तरफ से एक छोटी बुकलेट मिलेगी की नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो की नोट्स और राइटिंग प्रैक्टिस तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी सारी राइटिंग प्रैक्टिस ही होगी आंसर्स की राइट और कौन सा पॉइंट था बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एडजस्टमेंट मैंने इंडेक्स से बता दिया और कौन सा पॉइंट था ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि इंडेक्स के अंदर सारे क्वेश्चन कौन से कौन से है? वो सब प्रूफ के साथ हैं हाँ, और कुछ इंक्लूडिंग डिसंबर 21 का पेपर अगर आपका इसमें डिसंबर 21 का ये देख लो फोर्टीन क्वेश्चन एग्जाम डिसंबर 21 का पेपर है ये भी इंक्लूडेड है बुक विल भी लेटेस्ट अपलोडेड अपडेटेड आप मुझे यह क्वेश्चन पूछेंगे कि सर क्या ये बुक सफिशियंट होगी क्या आई एम बियॉन्ड अ डाउट श्योर हंड्रेड परसेंट दैट दिस बुक इज मोर देन सफिशियंट आई एम बियॉन्ड डाउट मतलब तुमको दूसरा मटेरियल रेफर करने की जरूरत है कि द आंसर इज नो हंड्रेड एंड टेन परसेंट दिस बुक इज सफिशेंट है इसमें मैंने कोई महान काम किया ऐसा नहीं है इंस्टीट्यूट ने किया मैंने सिर्फ कॉपी किया है क्यों झूठ बोलने का यार रपन क्या है सच बोलने का क्या है मैं ऐसा कभी नहीं क्लेम करता कि मेरे बुक से पेपर आता है बट आप पिछले कम से कम चार चार क्या है यार आठ अटैम्प्ट हो गए आठ अटैम्प्ट निकाल कर देख लियो अगर आपको कोई भी एक क्वेश्चन मिल जाएगी जो बुक में से नहीं आया तो मुझे आके बता देना ऐसा हुआ नहीं है क्वेश्चन बुक से इसलिए आते हैं क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल को पूरा इंक्लूड कर लेता हूं आएंगे कॉमन सेंस है ये चीज एग्रीड यार थोड़ा सा यार सीरियस मत रहो ना यार सीरियस लोग कहां होते हैं आईसीयू में होते पता है ना तुम्हें yes. तुम बोलो कि आईसीयू में और भी एक अच्छी चीज़ होती है कि सर आईसीयू में नर्स होती है बट स्टिल नो बेनिफिट नो फायदा बिकॉज तुम सीरियस हो ना तुम आईसीयू में तुम कुछ नहीं कर सकते सो दिस काइंड ऑफ की नोट वुड बी प्रोवाइडेड टू यू ऑल एग्रीड बुक आपको छह यूनिट प्लस मेरे हिसाब से एक की नोट सेवेंथ यूनिट रहेगा जिसके अंदर ए के साथ साथ सारी चीजें कलर्ड वे में शॉर्टकट में समझाई जाती है बट मैं फिर भी आपको यह बताऊंगा कि आप इसके बेसिस पर मत रहो चार्ट खुद के बनाओगे तो ज़्यादा फायदा है वहां से नहीं दिखेगा बेटा बट है ऐसे कुछ और उसमें यही है मतलब एडवांस अकाउंट्स ही है आई होप यू पीपल हैव गॉट दिस पॉइंट ठीक है तो मेरी तरफ से अगर आपको कुछ कमी लगती है तो वो भी बता देना वो ऐड कर दूंगा तो मैं मेरी तरफ से पूरा हंड्रेड परसेंट दूंगा बट मैं वापस बता दें पैसा फेंकने से अगर विद्या मिल जाती तो हमारे माँ बाप इतने एजुकेटेड नहीं थे और ना ही उनके पास इतना पैसा था फिर भी हम सी बने फिर भी हम आगे बढ़े थिंग्स आर गुड टूडे बात पकड़े आप तो पैसा फेंकने से विद्या नहीं मिलती है काम करने से मिलता है ये मैं क्लियर बोलता है क्लास में तुम इधर आ गए क्लास ज्वाइन कर लिए पैसा भर दिए इससे पास नहीं होने लगे मेरे वजह से तो हंड्रेड परसेंट और वो की वजह से होते होंगे तो मुझे नहीं पता मेरे वजह से तो पास नहीं होंगे पास होंगे तुम्हारी मेहनत से तुमको मेहनत करनी पड़ेगी मैं मेरे काम में गाइड करने में कम पड़ जाऊँ तो जूती निकाल के मार देना मुझे कोई एतराज़ नहीं है मैं उसमें कम नहीं पड़ूंगा इसके बारे में मैं श्योर चलो फिर आज श्री गणेश वगैरह हमारे टॉपिक का यस राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म अच्छा ये बच्चे कुछ पूछ रहे हैं मुझे कि सर मैंने ये वाला पीडी लिया था वो वाला पीडी लिया था इसमें ये नहीं है वो नहीं है बेटा जी अभी डिसंबर ट्वेंटी वन का क्वेश्चन तो उसमें नहीं रहेगा कॉमन सेंस है क्योंकि पीडी पहले रिकॉर्ड हो चुकी थी और अभी चालू हो रहा है सो so, वो क्वेश्चन नहीं रहेंगे बट दे आर ऑलवेज अपलोडेड ऑन द ड्राइव सो यू विल गेट इट ऑन ड्राइव दूसरी चीज कि जो ये बुकलेट है इस बुकलेट में हर बार में कुछ ना कुछ चेंजेस करता हूं हर एक अटेम्प्ट में चेंज करता हूं सो so, बेटा बुक तो चेंज होगी उसका कुछ नहीं किया जा सकता तो अगर लेटेस्ट लेक्चर नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चंस तो ऐड कर दिए जाएंगे या एनालिसिस अगर चाहिए तो आई विल पुट इट अप ऑन द टेलीग्राम चैनल एंड ऑल दैट्स व्हाट आई कैन डू इट बट मेरी बुक चेंज होगी हर एक अटेम्प्ट में बुक चेंज होती है बट इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाली जो पीडीज है वो रिडेंडेंट है चेंजेस होते हैं कुछ माइनर कुछ एडिशनल क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं इंस्टीट्यूट भी कुछ नए क्वेश्चंस ऐड करते हैं कुछ नए अमेंडमेंट्स होते हैं वो सारे इंक्लूड कर, कर करना ही पड़ता है तो वी हैव टू स्टे अपडेटेड दैट इज द रीजन द बुक चेंजेस बट स्टिल इट इज रिलेवेंट और वो ड्राइव लिंक जो आपको मिली है उसमें वो सारी चीजें अपलोड हो जाती है उसमें आपको सारी चीजें मिल जाती है चले अभी आगे सो रिजोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म क्या लगता है रिजोल्यूशन बोले तो क्या तुम्हारा ब्रेकऑफ होता है क्या कि किसी का हुआ हरा? कैसे बिहेव कर रहे इनकी फोटो निकाल के रख रहे है आज है कुछ दिन बाद दिखाऊंगा इनको कि ऐसे थे तुम जब डे वन को आए थे किसी का ब्रेकअप नहीं हो ना एक साइड़? अबे इतने घर में पड़े हुए थे तुम दिन भर ऑनलाइन लगे रहते थे, थे. उसमें ही सो इतने तेज ते ते तर्रार हुए हो ना लाइक सो मैं आपको बता रहा हूं रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या है तीन पार्टनर रहते बोलते हमको साथ नहीं रहना है ठीक है क्या करते है फर्म को डिजोल्व यू गेटिंग माई पॉइंट सो डिजोल्यूशन ऑफ फर्म इज नथिंग बट माई डिफरेंट क्लोजर ऑफ द बिजनेस यू आर क्लोजिंग अ पार्टनरशिप फर्म सो वेन यू आर क्लोजिंग द पार्टनरशिप फॉर्म वॉट यू डू संतोष जल्दी करना एक दो मिनट रुक के कर 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 जल्दी कर माकड़ ये संतोष है क्लास में मेरे साथ रहेगा आपके साथ हमेशा अरे हाँ और एक चीज़ तो बताना भूल गया मैं फेस टू फेस बैच में ये कैसे भूल गया तुम इधर आ तो गए हो तुम्हारी मर्जी से बट जो कुछ भी करना है यहाँ पर मेरी मर्जी चलती है तो मेरे स्टाफ घूमते रहेंगे अगर आप स्केल यूज नहीं करोगे पेंसिल यूज नहीं करोगे जो कॉमन टूथब्रश यूज करते हैं दो लोगों के बीच में एक वो <laughs> <laughs> कॉमन स्केल कॉमन पेंसिल यूज कर सकते हैं यू आर यूजिंग सेपरेट टूथब्रश अगर आपके पास इतनी रईसी है तो आप बुक्स भी और टेक्स्ट बुक भी और क्या बोलते हैं उसको स्केल एल भी सब सेपरेट लाओगे सो हमारा बंदा घूमते रहेगा अगर आप बिना वजह मोबाइल यूज करते पाए गए मोबाइल यूज करना अलाउड नहीं है तो ये आपका मोबाइल ले लेंगे ऐसा नहीं कि आपको मोबाइल नहीं दिया जाएगा दिया जाएगा वापस बट आपको बहुत तंग किया जाएगा क्योंकि हमको फिर मजा आती है वैसे समझ में आ रहा है बात तो ऐसा नहीं कि हम तुम्हारा मोबाइल छीन लेंगे वो ऐसे काम नहीं करते हम बट आपको फिर सड़ा सड़ा के मोबाइल दिया जाएगा तुम जिंदगी में चाहते हो कि नहीं भाई मैं बोर हो रहा हूँ कि सर के साथ में अभी सड़ने का है मुझे सर बोलेंगे उठक बैठक कर ये कर वो कर और मेरे को बहुत मजा आता है तो कोई दिक्कत नहीं फिर कर लियो समझ में आ रही है बात ध्यान में और क्लास में मस्ती करना अलाउड है बट जब आपको पढ़ाया जा रहा है कराया जा रहा है तो बस ध्यान रखो मतलब इस क्लास का एक रूल ध्यान में रखना मस्ती करना बहुत मस्ती करना बट पकड़े मत जाना मतलब वो प्रॉब्लम है हम भी बहुत मस्ती करते हैं बट पकड़े नहीं गए तो पकड़े मत जाना आखिरी बात ध्यान में यस सो डिजनरेशन ऑफ पार्टनर दे दिए अगर भाई संतुलित अरे हाँ एक चीज़ यार एक चीज और रह गई यार ऐसे कैसे आज मैं भूल रहा हूँ चीज है आई एम सॉरी आई एम सॉरी एक चीज रह गई मेरी तुमको कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द टॉपिक देना रह गया सो ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स ये सारी चीजें एक बार रिवाइज कर देता हूं बेटा सो अटेम्प्ट वाइज एनालिसिस आपके पेज नंबर एनालिसिसन पर रहेगा कुछ इस तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया अटेम्प्ट वाइज एनालिसिस रहेगा ये देखना जरूरी है और चैप्टर वाइज एनालिसिस एक बार देख लो आपको सिलेबस लिख कर नहीं दिया मैंने सिलेबस भी लिखा कर देने का मैंने डायरेक्टली चालू कर दिया सो so, पहले ए एस ग्रुप टू में ए एस का वेटेज ज्यादा है इट कम्स फॉर अराउंड थर्टी मार्क्स थ्री जीरो मार्क्स सो आप देख पा रहे इधर हाउ मेनी मार्क्स ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी मार्क्स सो थर्टी परसेंट मार्क्स आपको कहां से मिल सकते हैं ए एस से

ये कहां से शुरू हो रहा है से ना अमाल और कब तक है ये ऑरेंज तक सो so, कितने अटेम्प्ट हो गए भाई साहब पांच छह सात आठ आठ में से बेटा जी ये दो बार नहीं पूछा गया सो इट वॉज आस्ट फॉर हाउ मेनी टाइम्स सिक्स टाइम्स अमाल मिशन वॉज आस्ट एंड बाय आई थिंक वॉज आस्ट सेवन टाइम्स बाय बैक सेवन आउट ऑफ एट टाइम्स और ये वाला अमाल कितना सिक्स आउट ऑफ एट टाइम्स देन माई डियर फ्रेंड्स बैंकिंग वॉज आस्ट इन एवरी अटेम्प्ट यू कैन सी ब्लू भी है और ब्राउन भी है सो इट इज एट ऑन एट एट ऑन एट टाइम्स तो बैंकिंग टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं पास होने का है तो कॉमन सेंस है मतलब बैंकिंग कर लो परफेक्ट ए एस परफेक्ट कर लो चालीस मार्क मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं है हा है ना नेक्स्ट एनबीएफसी वॉज ऑल्सो आस्ट इन ऑल दी अटेम्प्ट फॉर फाइव मार्क्स ऑल्सो एंड इट इज ऑल्सो हाउ मच एट ऑन एट होल्डिंग कंपनी वॉज आस्ट इन ईच एंड एवरी एग्जाम एट ऑन एट एक्चुअली ग्रुप टू में ना ए एस ज्यादा है चैप्टर्स कम है और उसके वजह से बेटा जी सारे चैप्टर्स का वेटेज ऑलमोस्ट फुल है एग्रीड देन माई डियर फ्रेंड इस वॉज आस्ट एट ऑन एट टाइम्स एंड देन बॉयज एंड गर्ल्स लिक्विडेशन वॉज आस्ट एट ऑन एट टाइम्स and boys and girls, internal reconstruction was asked thrice. schedule 3 was asked twice. amalgamation and sale of firm was asked four times, four and five times. and dissolution of partnership firm was asked not twice. so it is six on eight times. amalgamation and sale of firm, five on eight times. schedule 3, two on eight times. internal reconstruction, how much? three on eight times. So, what do you एस ठीक है ए एस ठीक है उसके अलावा पास होने के लिए क्या करना है बैंकिंग, बैंकिंग करना है इसो करना है होल्डिंग कंपनी है हाँ नहीं। न्बेंकिंग. न्बेंकिंग है नहीं एनबीएफसी करना बैंकिंग और लिक्विडेशन लिक्विडेशन भी करना है इसके अलावा कुछ चीजें मैं बता दूंगा जो तुम्हें करनी है अगर ये चीजें करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी बनती है कि आप पास हो जाओगे यू हैव गट अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल पास so एस कर लेना और जो टॉपिक मैंने आपको बताया वो टॉपिक करने की पूरी पूरी कोशिश करना तो आपका 110 परसेंट पास हो जाना है। बट क्या हम भिखारी की जिंदगी जीते क्या नहीं हम चॉइस लेंगे कि हमें कौन सा सॉल्व करना है कौन सा नहीं करना है एग्जाम पैटर्न okay? uh, बताना जरूरी है कि पता है तुमको बताना है जरूरी है तो एक बार छोटा सा मेरा एनालिसिस आपको बताता हूं लुक एट दिस पैट दिस मे 18 में पांच मार्क के क्वेश्चन वर आस्क फॉर फिफ्टी फाइव मार्क्स ऑफकोर्स एंड वॉट सम फ्यू क्वेश्चन मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए कितने थर्टी सो कैन आई नॉट से एट्टी फाइव मार्क्स वॉज आस्ट इधर इन फाइव और टेन मार्क्स क्वेश्चन ना यू टेल मी फाइव एंड टेन मार्क्स क्वेश्चन कैन बी वेरी डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट और इट कैन बी मीडियम डिफिकल्ट पांच और दस मार्क के डिफिकल्ट कैसे हो सकते भे तो so, ज्यादा डिफिकल्ट चीजों की वजह से तुम उस टॉपिक को छोड़ते हो ना ऐसा नहीं रूल होना चाहिए ड्रिल डाउन अप्रोच मेरा एक जीवन का और काफी अरसे फॉलो कर रहा हूं कितने लोगों को लगता है कि भगत सिंह हार गए भगत सिंह को जानते हो मेरे हिसाब से भगत सिंह हार गए क्योंकि आजादी तो मिली नहीं थी जब भगत सिंह शहीद हुए थे तो क्या भारत को आजादी मिली थी क्या भगत सिंह हारे या नहीं हारे गुलाब के फूल भगत सिंह आ रहे या नहीं आ रहे नहीं। क्यों नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें जो करना था वो उन्होंने किया तुम्हें भी जब भी कोई टॉपिक करोगे तो ये पहले समझाओ खुद को कि उसके हर एक चीज इजी नहीं रहने वाली है बट जितना पार्ट आपको आता है वो इंपॉर्टेंट है जो चीज नहीं आता है दैट्स ओके सो मैं आप सभी लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि, कि किसी भी टॉपिक को आउटरेट छोड़ मत देना जिसको छोड़ने वाले उसमें से कुछ करना और जिसको कुछ करने वाले थे उसको पूरा करने की कोशिश करना और बस ये पास होने की स्ट्रेटेजी होगी आपकी डू नॉट लीव अ टॉपिक एक भी टॉपिक नहीं छोड़ के जाओगे तुम ड्रिल डाउन अप्रोच करोगे मुझे एक बात बताओ कुछ लिख नहीं है टॉपिक के बारे में और कुछ लिख किया है किसमें गुंजाइश पास होने की तो भाई साहब ऐसे तोड़ना कि तुम कुछ ही नहीं लिख के आओगे कुछ तो कुछ फेंक के आ जाओगे है ना बीकॉम ने वही तो सिखाया नवंबर 18 कैन यू जस्ट सी 45 मार्क्स वाज फॉर 5 मार्क्स एग्रीड एंड टेन मार्क्स वॉज एट्टी तो बेटा जी एट्टी प्लस फोर्टी फाइव ये पूरा वन ट्वेंटी फाइव मार्क्स का पेपर जो आया था देट वॉज इन टेन एंड फाइव मार्क्स सिर्फ मे एटीन में ट्वेंटी मार्क्स के दो क्वेश्चन आए थे फॉर फोर्टी मार्क्स तो बेटा जी आपको किन चीजों पर फोकस करना है छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना है बच्चा क्या करता है बड़ी बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को लेकर बैठ जाता है उस पर ज्यादा डिवोट करता है और मेरा एनालिसिस अभी तक ऐसा है डिसंबर यू 15 मार्क्स के तीन क्वेश्चन आए बट अगर आप इसको भी देखेंगे सो सिक्सटी प्लस ट्वेंटी मार्क्स एट्टी मार्क्स के प्रश्न जो थे दे हैव टू बी इजी यार दे के नॉट बी बस्ट वेरी डिफिकल्ट दे हैव टू फॉलो द इंस्टीट्यूट मॉडिल पैटर्न क्या ही पूछ लेंगे यार दस मार्क के लिए क्या ही पूछ लेंगे टफ आप बीस मार्क के लिए दो तीन टॉपिक क्लब करके पूछ लेंगे जैसे ये आपका इनकम टैक्स में होता है इधर उधर से क्लब कर कर वो पूछ सकते हैं इसमें क्या ही पूछ लेंगे यार, मेरी बात आप तक तो पहुंचती है क्या सो so, बेटा जी पूरा पैटर्न स्टडी कर लीजिए मेरे हिसाब से जैन 21 में भी 70 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और 20 मार्क्स के दो क्वेश्चन थे 40 कितना see, 65 30, 95 का पेपर इस पर था और यहां पर 55 फाइव एंड सेवेंटी अगेन हाउ मैनी मार्क्स 125 होता है सो so 45 in, अच्छा 125 मार्क्स एग्रीड फर्स्ट क्वेश्चन फाइव कंपलसरी एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग यू हैव टू आंसर एनी फाइव बात समझ में आ गई क्या आप पाजी कितने क्वेश्चन आते हैं टोटल सिक्स सिक्स में से पहला क्वेश्चन कितने मार्क का 20 मार्क का वो कंपलसरी है रह गए क्वेश्चन कितने पांच उसमें से आपको लिखने होते चार और चार क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन इज ऑफ ट्वेंटी मार्क्स इच लास्ट का जो क्वेश्चन होता है उसमें एक ऑप्शन और होता है। सो लास्ट क्वेश्चन इज फॉर ट्वेंटी बट जनरली इट इंक्लूड वन और टू कपल ऑफ थे ऑल्सो बेटा जी मेरे हिसाब से एडवांस अकाउंट्स अगर पास होना है तो दो चीजों को ध्यान रखना है जो आपको एनालिसिस चाहिए स्ट्रेटेजी चाहिए थी वो है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले उसके ऊपर फोकस करो नंबर नंबर उसके अंदर से कोई भी चीज मत छोड़ो मतलब जितने भी छोटे से छोटे है सब करके जाओ क्योंकि लेकर डूबने वाला बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता छोटा होता है अबे 20 मार्क का क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आया ना तो सिर्फ तुम्हें डिफिकल्ट नहीं है पूरे के पूरे इंडिया को डिफिकल्ट जा सकता है वो अभी इनकम टैक्स का पेपर तुमको क्लास में बैठने के बाद में ऐसा लगा होगा कि मुझे डिफिकल्ट गया सिर्फ तुम्हें अकेले को डिफिकल्ट गया आउट ऑफ द होल फोर पेपर या पूरे इंडिया को चार में से वो वाला पेपर डिफिकल्ट गया था पूरे इंडिया को गए कि नहीं गया सो yes. so, बेटा जी फिलोसॉफी एकदम सिंपल है हमारी कि हमें पांच और दस मार्क के क्वेश्चन के एंगल से हर छोटी चीज पर फोकस करना है छोटी चीज पर फोकस करेंगे तो विल बी एबल टू आंसर इट इनकम टैक्स का पेपर भी देख लो आप अभी इस बार इफ यूड फोकस्ड ऑन स्मॉल 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 एडजस्टमेंट यू हैव बीन एबल टू डू इट डिलीवर इट यस आर नो सो कैन वी नाउ प्रोसीड यस सो राइट डाउन द नेम ऑफ द अरे मैंने सिलेबस बता दिया सिलेबस बेटा मैंने ओरली बता दिया था तुमको आइडिया लग गई होगी हमें इंडेक्स में बताया था ना पता नहीं थोड़ा सा मैं पीपीटी वगैरह पर कम बिलीव करता हूं यार ये सिलेबस यहां पर है लिखना है नहीं लिखना है लिखो सिलेबस लिखो काफी देर से बैठे हुए सुन रहे हो सिलेबस, सिलेबस लिखो सिलेबस लिख छोरी ऑनलाइन के रसगुल्लो जल्दी से लिखो सिलेबस पहला वाला ए एस एस कौन से कौन से बाद में बताऊंगा सस्पेंस है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ए एस इन द ब्रैकेट लिखो एट ऑन एट ए एस एट ऑन एट का मतलब समझते हो ए आठ में से आठ बार पूछा गया बोकवास एनालिसिस सर बाय बैक बाय बैक सेवन ऑन एट टाइम्स बाय बैक सेवन ऑन एट टाइम्स सेवन बाय एट देन नेक्स्ट अमाइल्क बेटा अमाल बोलने के लिए हम बोलेंगे सिक्स ऑन एट बट अमाल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का कमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो अमाल ऑफ कंपनीज यू कैन राइट डाउन सिक्स ऑन एट जो एनालिसिस वो बता रहा हूं सिक्स ऑन एट देन देर इज नेक्स्ट बैंकिंग बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट यू कैन राइट डाउन एट ऑन एट एट ऑन एट टाइम्स एग्रीड देन राइट डाउन एनबीएफसी एनबीएफसी राइट डाउन eight ऑन it. बट मुझे नहीं लगता एनबीएफसी अभी ऐसे ही कंटिन्यू होगा क्योंकि एनबीएफसी में अमेंडमेंट थे इसलिए वो पूछे रहे थे बट अब वो समय हो गया यार अमेंडमेंट को आए हुए भी अब तो अब मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा सो so एनबीएफसी मेरे एंगल से अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा बट ठीक है पांच मार्क का तो ही जाता है एनबीएफसी एट ऑन एट अभी तक का एनलिसिस होल्डिंग कंपनी एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट टॉपिक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ये फाइनल ऑल्सो होल्डिंग कंपनी फाइनल अकाउंट इट विल बिफोर एट ऑन एट मार्क्स सॉरी एट ऑन एट टाइम्स होल्डिंग कंपनी एट ऑन एट टाइम्स इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कंसॉलिडेशन ये टॉपिक का भी नाम है नेक्स्ट इज इसॉप दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इस आई थिंक एट ऑन एट टाइम्स है क्या या ब्लू से लेकर ब्राउन तक है यह भी ब्लू से लेकर ब्राउन तक है लिक्विडेशन कैन यू राइट डाउन एट ऑन एट टाइम्स लिक्विडेशन एट ऑन एट टाइम्स ओके देन राइट डाउन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन थ्री ऑन एट टाइम्स थ्री ऑन एट टाइम्स देन राइट डाउन शेड्यूल थ्री शेड्यूल थ्री लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट इसको टू ऑन एट टाइम्स लिखना गलत है क्योंकि शेड्यूल थ्री क्या है कि आप हर एक कंपनी फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे उसमें शेड्यूल थ्री फॉलो करोगे सो शेड्यूलूल थ्री आई कैन राइट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट बट इंडिविजल क्वेश्चन की बात करें इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की सो इट इज टू ऑन एट टाइम्स बट शेड्यूल थ्री तो ऐसे भी करना ही पड़ेगा

20 मार्क्स और 15 मार्क्स अगर आप इसको कॉन्क्योर कर लेते हो तो साइकोलॉजिकली यू आर वे हेड अदर्स क्योंकि ये टॉपिक डिफिकल्ट है इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स एंड द लास्ट वन डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म इट इज सिक्स ऑन एट टाइम्स डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म सिक्स ऑन एट टाइम्स एंड अमेलिशन सेल ऑफ फॉर्म यू रोट हाउ मेनी फाइव ऑन एट टाइम्स यस आर नो So, आपके पास अभी एनालिसिस है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपको एक लगभग लगभग अंदाजा है, वैसे है।, 125 में से है आप आराम से चैप्टर से अप कर सकते हो एटलीस्ट 90 मार्क्स का पेपर बट फिर भी 20 मार्क्स कंपलसरी तो है तो वो चले जाएंगे सो so, 90 मतलब आप समझ लो 80 मार्क्स का पेपर तो एकदम आराम से लिख के आ सकते हो

ंग टेस्ट इन टाइम एंड पास इन टाइम बट रिमेंबर टेस्ट इन टाइम पास इन टाइम के साथ साथ और एक क्वेश्चन बैंक रहेगा आपके साथ में जो आपको क्लास में लिखने के लिए हम कहेंगे और अगर मैं कोशिश करूंगा कि उन पेपर को चेक करा के दूरीड सो यूलिंग टेस्ट सीरीज वन इज टेस्ट इन टाइम पास इन टाइम एंड एट द सेम टाइम यूल ऑल्सो भी हैविंग मोर क्वेश्चन दैट इज ऑन क्यूमलेटिव चैप्ट दो तीन चैप्टर होने के बाद टेस्ट सीरीज रख सकते हैं सो दैट इट इज इजियर फॉर यू सो ऑनलाइन लाइफ के बच्चों के लिए भी अवेलेबल होता ही है ऑनलाइन लाइफ जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उनके लिए बैकअ होता है बट फेस टू फेस बच्चे जो होते हैं उनके लिए भी एक अलग दिक्कत है उन बच्चों की क्या दिक्कत है कि कई बार तुम्हारी बी कॉम की एग्जाम्स रहेगी कई बार शादी रहेगी कई बार आपको पेट दुख रहा होगा बुखार आएगा छुट्टी लेने छुट्टी ले, ले लिए तो उस केस में जब लेक्चर मिस हो जाता है तब तुम क्या करते हो तब दिक्कत होती है प्रॉब्लम तो वही है ना सो फेस टू फेस बैच के बच्चों के लिए वी प्रोवाइड यू द बैकअप अब बैकअप क्या होता है कि तुमको एक लेटर मिलेगा मेरी तरफ से और उस लेटर में आपको एनी 15 टू 20 लेक्चर्स देखने की परमिशन होगी क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर आप फेस टू फेस क्लास लगा रहे हो और अगर गवर्नमेंट की कृपा दृष्टि बनी रही तो हम चलाते रहेंगे और अगर प्रॉब्लम हुई तो देन आ, आज स्वप्निल भाई ने बताया होगा कि यू विल बी शिफ्टेड इन ऑनलाइन लाइफ फीस वगैरह सब एडजस्ट कर दी जाएगी वो सब बात हुई आज हमारी सो so, बोलने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप यहां पर फेस टू फेस बैच चल रही है और अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो उस केस में यू विल बी गेटिंग अ सीरियल की फ्रॉम मी ड्राइव लेक्चर फ्रॉम मी जिसमें अभी लेक्चर हुआ इसके नेक्स्ट थर्टी टू फोर्टी मिनट्स में वो लेक्चर वहां पर अपलोड हो जाएगा जो अभी लेक्चर हो रहा है ये आप चेक कर सकते हो थर्टी टू फोर्टी मिनट्स में वहां पर अपलोड हो जाता है वहां से आप घर पर डाउनलोड कर कर उस लेक्चर को देख सकते हो बट ध्यान रहे यू कैन वॉच एनी टू ट्वेंटी लेक्चर क्लियर हुई क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि पंद्रह लेक्चर तक भी आप उससे ज्यादा भी एबसेंट रह रहे हो विदाउट परमिशन तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप सीरियस हो आपके क्लासेस के बारे में फिर खड्डे में जाओ कई बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चे का हाथ टूट गया कुछ प्रॉब्लम हो गई वगैरह तो आई जनरली डोंट क्रिएट प्रॉब्लम एंड न्यूसेंस फॉर माई किड्स तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहो इसके विपरीत कुछ प्रॉब्लम रहे कुछ तो कम एंड टॉक टू मी आई हेल्प यू आउट बियॉन्ड अ डाउट आपको हेल्प मिल जाएगी और सुनो ज़्यादा इधर उधर एडवांस अकाउंट्स के लिए ज़्यादा इधर उधर पूछने का नहीं लोगों को जो प्रॉब्लम रही डायरेक्ट मेरे को आके बोलने का मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ तुम्हारे वजह से हूँ और मैं इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता हूँ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैं इनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेता हूँ मैं बनती कोशिश कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाओ क्योंकि जब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो समझ लेना कि मेरा घर चलता है इस चीज़ को मैं मानता हूँ और मैं इसको आचरण में भी लाता हूँ तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहता हूँ कुछ भी प्रॉब्लम रहे जस्ट लेट इट लेट मी नो एंड इट वुड बी सॉर्टेड आउट ये मैं कोशिश करूंगा ये जरूर वचन दे रहा हूँ ठीक है अच्छा और एक चीज़ कहती थी फिर वो मैराथन लेक्चर्स वगैरह ये आपने देख ही लिए होंगे ग्रुप वन में भी हमने अपलोड किए थे ग्रुप टू के भी अपलोड करते मैराथन लेक्चर्स एंड ऑल यू विल बी हैविंग बस हो यार फिर अभी आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशेंट ठीक है फीचर्स सभी को समझ में आ गया हिज़ाब है कोई क्वेरी अभी पूछ लो यार कुछ कुछ क्वेरी नहीं तो बोल दो कम से कम बहुत बुरा लगा यार मुझे आज क्या ऐसा लग रहा है ना जैसे फर्स्ट टाइम मिले है बहुत बुरा लगे तुम तो यहाँ भाई इमोशनल मतलब तो ऐसे मजे करते रहे ऑनलाइन मिलेगा ठीक है, मिले है। बट यार तुम ऐसे नहीं हो तुम्हें भी मालूम है यार हाँ पहले दिन प्रॉब्लम होती है अलग अलग जगह पे दुखता है इतने दिन थोड़े ना बैठे थे बैठ घर पर थोड़े ना बैठते थे जो मिला बैठ तो धन्नाट से सो गए अभी दुख रहा होगा कहीं कहीं कब छूटेगा बाबा कब छोड़ेगा ठीक है डिजोल्यूशन और पार्टनरशिप हम मस्ती करते हैं चलो सुनते हैं रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉम मतलब टू क्लोज द बुक्स क्लोज द बुक्स वाई बिकॉज द बिजनेस द बिजनेस अंडरस्टैंड इट इन लॉ और इन पार्टनरशिप एक्ट एंड ऑल आई एम नॉट ईयर टू टीच यू वाई बिजनेस इज गेटिंग क्लोज आई एम जस्ट टेलिंग यू बिजनेस इज क्लोज आर एन अकाउंटेंट वट यू हैव टू डू बिजनेस इज क्लोज एंड यू आर अकाउंटेंट वट गोइंग टू डू तो बुक्स कैसे क्लोज करते एक बच्चा बोलता है सर ऐसी बुक होती है ऐसे क्लोज ऐसे क्लोज क्या करोगे बुक्स क्लोज करना मतलब क्या करोगे क्या करेंगे भाई साहब आपके हिसाब से माइक दे दो यार संतोष हाँ हाँ क्या करोगे भाई लेजर अच्छा तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सारे लेजर अकाउंट्स क्लोज कर देंगे और उसके बाद में जो पैसा बचा है वो किसको दे देंगे ओनर को बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बहुत बहुत बढ़िया सो रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में बेटा जी आप क्या करते हो आपके पास जितनी भी नॉन कैश असेट होती है पहले तो एक बात बता दो पहले अगर मान लो फ्रॉड हुआ है या कुछ किस्सा हुआ है तो पहले तो आप आपकी बैलेंस शीट बनाओगे बैलेंस शीट क्यों बनाओगे क्योंकि बेटा जी किन लेजर अकाउंट्स को क्लोज करना है उसके लिए पहले आपके पास लेजर बैलेंसेस तो चाहिए सो फर्स्ट थिंग आर यू डूइंग द थिंग्स विच आर नॉट एट रिकॉर्डेड यू विल रिकॉर्ड इट फर्स्ट सो फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ था तो मैं आपको एक बात बता दू एक एग्जाम्पल सत्यम में उनके बैलेंस शीट में दिख रही थी एफडी एग्रीड और बाद में पता चला एफडी डी है नहीं सर भेंडी एफ है ही नहीं वो तो सिर्फ दिखा रहे उधर एफडी है बोलकर एफडी गई छु तो सर एफ डी नहीं है और एफ डी दिख रही है तो अब इसको क्लोज कैसे करेंगे तो पहले हमको करेक्ट वाली बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी तो उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा इलेवन ट्वेल्थ फाउंडेशन का फाइनल अकाउंट मेथड फाइनल अकाउंट में क्या है बेटा जी जो जो ट्रांजेक्शन आपकी हुई है वो आपको दी जाएगी उन ट्रांजेक्शन के बेसिस पर करना पड़ेगा जैसे क्या हुआ कि एक डेटर ने पैसा दिया पार्टनर उसको खा गया अब आपके बैलेंस शीट में आपके बुक्स में डेटर्स दिख रहा है बट क्या डेटर्स दोबारा पैसा देगा क्या नहीं ऑलरेडी गिवन इट टू द व्हाट पार्टनर तो आपको वो 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 एंट्री से क्लोज क्लोज करना करना पड़ेगा वो कैसे करना, वो मैं समझा दूंगा यस सो रूल नंबर फर्स्ट गेट द करेक्ट बैलेंस शीट बिकॉज कई बार कई सारी फॉर्म्स में फ्रॉड होते हैं कई सारी फॉर्म्स में कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं होती है वॉट एवर हैपेंड डोंट वरी अबाउट इट स्टेप नंबर वन क्रिएट द करेक्ट बैलेंस शीट नाउ स्टेप नंबर टू यू हैव टू Close the balance sheet. So how do you close the balance sheet? Empty the balance sheet. Right? So write down step number one. Step number one. Get the balance sheet. Get the balance sheet. Get the balance sheet as on date of dissolution. ट द करेक्ट बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ डिजोल्यूशन तो आप करेक्ट बैलेंस शीट लेके आओगे ऑन द डेट ऑफ डिजोल्यूशन हाउ टू डू इट एल एक्सप्लेन यू देन द सेकंड वन इज वन सेकेंड स्टेप स्टेप टू इज एम टी दैलेंस शीट एम टी दैलेंस शीट वट आर यू गोइ डू एम टी द बैलेंस शीट हमारे पास एक बैलेंस शीट है पी एनडल अकाउंट हमारे पास नहीं क्योंकि पी पीएनडल अकाउंट कहां क्लोज हो जाता है बैलेंस शीट में सो so, जो भी आपका पी पीएनडल अकाउंट बनेगा वो कहां क्लोज हुआ है बैलेंस शीट में तो so, आपके दिमाग में जो भी चीज है वो हम बैलेंस शीट में लिखना शुरू कर देते सो so, एक बैलेंस शीट बनाइए रफ में ग्रेट मेरे साथ बनाता शुरू कर दीजिए बैलेंस शीट एक रफ में बैलेंस शीट बनाइए और बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा सो आई विल से यू विल बी हैविंग फिक्स्ड एसेट आई विल से यू बी हैविंग इन्वेस्टमेंट You'll be having debtors. You'll be having stock, bills receivable, loan, cash, creditors, outstanding expenses, reserves and surplus. And then I'll have capital account. ए बी सी देर कैन ऑल्सो भी करंट अकाउंट इस तरीके की बैलेंस शीट होगी ये और नो सो स्टेप नंबर वन विजुलाइजेडिंग अ बैलेंस शीट बेट अभी रफ में भी करोगे तो चलेगा है ना नो no इश्यूज क्लास में कई बार मैं मराठी यूज करता हूं मराठी इसलिए यूज करता हूं क्योंकि मैं यहां पे जन्मा हुआ हूं तो जबान पर मराठी है ठीक है तो उसका मीनिंग कुछ नहीं रहेगा बस वो ऐसे कभी कभी टाइम पास करना रहता है तो मैं मराठी में बोलता हूं मीनिंग कुछ नहीं रहेगा आई अंडरस्टैंड कि आपको मराठी नहीं समझ में आती होगी कई सारे बच्चों को तो मराठी में मैं कुछ समझाऊंगा नहीं बट मराठी मेरे जवान में बैठी हुई तो कुछ चीजें मराठी में निकल जाएगी ठीक है तुमको भी मजा आएगा सुनकर बट डोंट कीप ऑन आस्किंग मी दी मीनिंग ऑफ इट अब जैसे मैं कई बार बोला कसला शेमड़ापुर गए नहीं समझा सकता मैं हिंदी में उसको क्या बोलते मुझे खुद को पता नहीं है हिंदी में क्या बोलते उसको अभी बच्चे हंस रहे हैं इनको पता है शेमड़ा मन जगह है पर मैं कैसे बताऊँ ना अभी शेमड़ा मतलब क्या है और वो हिंदी में बोलूंगा ना उसके मतलब तो फिर उसकी मजा खत्म हो जाएगी रे मतलब वो मराठी में ही अच्छा लगता है प्लीज समझो आप बात को ठीक है ये यहां तक बन गया है क्या अब मुझे एक बार देखकर बताओ ये फिक्स आपको क्या लगता है ये कौन सी वैल्यू पर है बुक वैल्यू तो इसको बीवी लिख देता हूं है ना इन्वेस्टमेंट भी बीवी डेटर्स बीवी स्टॉक बीवी बिल्स रिसेबल बीवी नॉट अलाउड एज पर लॉ बट ठीक है बीवी क्रेडिटर्स बीवी

उन सभी चीजों को एक जगह ये आपको अमाल मिशन में भी हेल्प करेगा डी मर्जर में भी हेल्प करेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे सो so, जिन भी चीजों को बेचना है उन चीजों को साइड साइड में में लाकर रखो और वो साइड में हम कहां पर रख रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट मां दिवाली के वक्त करती होगी ना जो भंगार का सामान बेचना है करना है वो सारी चीजें एक साइड में निकल के रखती है हाँ नहीं तो हमें भी हमारे बिजनेस में जो जो चीजें बेचना है वो हम पार्टनर्स को नहीं बेच सकते गधेड़े लोग बोलेंगे पार्टनर्स को नहीं बेच सकते मेरे भाई कैपिटल को नहीं बेच सकते रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं बेच सकते हम किसको बेच सकते Assets and liabilities. So all the non-cash assets will be converted into what? Cash, and you are going to transfer them to the realization account. Let me ask you: Fixed asset ko konsa balance hota hai? Debit. Debit. Debit, investment, debtors, Debit. inventory, Debit. BR, Debit. loans and advances given, Debit. loans and advances taken. Debit. है ना लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होगा अट को डेबिट बैलेंस होगा इनमें से जो जो चीजें नहीं नहीं उसको 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 मारो मारो जो कैश है है क्यों क्योंकि बेच नहीं सकते ना है कोई क्लास में ऐसा पैदा हुआ अगरबत्ती जो कैश को बेचेगा <laughs> कैश को नहीं बेच सकते मेरे भाई किसको बेचेंगे असेट को एग्रीड सो so, राजा बेटा जी आपकी पहली एंट्री एकदम सिंपल है क्या करना है पता है असेट को डेबिट बैलेंस उसको कर देंगे क्रेडिट और कहां डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट खाली किस पर होगा बीवी पर क्योंकि तभी तो खाली होगा ना ऐसे ऐसे पागल पागल बातें नहीं करते बेटा कि फिक्स असेट हंड्रेड की है और मम्मी को जाके बोलोगे हंड्रेड एंड टेन में बोल दिया और असेट माँ नेगेटिव हो गई है घर में अगरबत्ती हुई है माँ चिल्लाती फिर समझ में आ रहा है क्या अबे हंड्रेड हंड्रेड से ही माइनस होगा या ना सो पहला काम है कि आपको असेट को खाली करना है एट बुक वैल्यू देखो मजा आता है क्या एंट्री कर रहा हूं मैं पहली फिक्स एसेट को क्या करना होगा क्रेडिट इन्वेस्टमेंट को क्या करना होगा क्रेडिट अभी एंट्री बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट टू इन्वेस्टमेंट टू डेटर्स टू स्टॉक टू बी आर टू लोन कैश को खाली करेंगे नहीं। ना मुन्ना ना क्योंकि कैश तो खुद ही रियल स्टेट में है यस और नो वैसे लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है पांडे जी क्रेडिट बैलेंस तो क्या एंट्री करेंगे उसको क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे Credit. क्या एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन अकाउंट क्लास में अगर एंट्रीज नहीं है ना तो फट गया है राइट right? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है या तो तुम मुझे क्वेरी पूछो या मैं तुम्हें पूछूंगा तीसरा तरीका नहीं है बीच में हम नहीं रहते या तो ये बाजू या तो वो बाजू समझ में आ गया सो so, चल जल्दी से बताओ पहले हम क्या करेंगे बैलेंस शीट को एमटी करेंगे क्योंकि बुक्स क्लोज करनी है तो बुक्स क्लोज करनी तो हमारे पास बैलेंस शीट है पी एंड एल अकाउंट कहाँ क्लोज हो जाता है बैलेंस शीट में क्लोज हो जाता है सो बैलेंस शीट में जितने अकाउंट है वही तो क्लोज हो सकते हैं वही कैरी फॉरवर्ड होते हैं हर साल

और इस रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या चीजें जाएगी टू फिक्स्ड असेट बीवी टू इन्वेस्टमेंट नहीं बताओगे बीवी टू डेटर्स बीवी टू स्टॉक बीवी टू बिल्स रिसीवेबल बीवी कैश को इधर डालेंगे क्या कैश कुछ इस तरीके से आएगी पांडे जी हमारा अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट और हम यहां पर लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ये कैश अकाउंट यस और नो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया हमने कैश का सो बेटा ऑल दसेटर रियलाइजेशन अकाउंट ऑल दसेट आर ट्रांसफर टू वेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड कैश इज ट्रांसफर टू वेयर कैश अकाउंट नाउ यू हैव गॉट लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज़ को कहां ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सो so, बेटा जी हम क्या एंट्री कर देंगे बाय बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बाय बाय क्रेडिटर्स अरे क्या हो रहा है? ये कौन सी वैल्यू पर बीवी बीवी हैप्पी। सो यू हैव गॉट बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बाय क्रेडिट कैन आई आस्क यू वन थिंग कितनी चीजें क्लोज हो चुकी है सो कैन आई से फिक्स्ड एसेट गया इन्वेस्टमेंट गया डेटर्स गया स्टॉक गया बी आर गया लोन गया क्रेडिटर्स गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गया एंड कैश अकाउंट भी हमने अलग अकाउंट ओपन कर दिया है कैन आई एक्सपेक्ट एन एंट्री फ्रॉम यू अबाउट क्लोजिंग द एसेट्स एंड क्लोजिंग द लाइवलिड एंड स्पेसिफिकली मोर प्रेफरेंस नीड टू बी गिवन टू दिस वर्ड कॉल्ड एज बुक वैल्यू रियलाइजेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट बुक वैल्यू तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी तुम्हारी शीट खाली होगी यूलटी द बैलेंस शीट ऑलवेज एट वॉट बुक वैल्यू सो जल्दी से बता दो एंट्री पहले एसेट्स को खाली करना है और को. को हम कैश अकाउंट में डाल देंगे नाउ बॉयज एंड गर्ल्स रिजर्व एंड सर्प्ल बिलोंग्स टू होम पार्टनर्स कैपिटल सो देर कुर बी प्रॉफिट सो हमारी रिजर्स एंड सरप्ल बिलॉन्ग्स टू पार्टनर, माई एंट्री वुनरेट हुआ था पास के ओनर्स so हम पार्टनरशिप में भी, जब फाउंडेशन में थे तो जो भी एक्यूमलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस होते थे वो हम किस ट्रांसफर करते थे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पी एस आर तो आपकी एंट्री क्या होगी बेटा जी रिजर्व एंड सरप्लस टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पी एस आर सो बॉयज एंड गर्ल्स आई नॉट से आपका और एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरीके से होगा एबीसी ए बी सी ये सॉरी नो रफ में बनाते जाओ कोई दिक्कत नहीं है स्टार्ट क्रिएटिंग इन रफ सो आई शैल राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन जो पार्टनर का कैपिटल बैलेंस रहेगा वो इधर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन अगर प्रॉफिट है रिजर्व एंड सरप्लस पॉजिटिव है तो कौन से साइड में आएगा क्रेडिट साइड या डेबिट साइड क्रेडिट साइड या डेबिट साइड क्रेडिट साइड इफ देर इज अ लॉस डेबिट साइड सो माय डियर स्टूडेंट्स इफ देर इज अ प्रॉफिट आई विल राइट डाउन ऑन द क्रेडिट एंड साइड बाय रिजर्व एंड सरप्लस ओल्ड पीएसआर एक्चुअली इसमें एक ही पीएसआर रहेगा क्योंकि न्यू पी का गुंजाइश नहीं है फॉर्म क्लोज हो रहा है सो विल हैव ओनली वन पी एस आर ओल्ड पी एस आर सो ऑल द रिजर्व एंड एंस विलू पार्टनर इन विच पी एस आर ओल्ड पी एस आर डी एल एग्री सो बेटा जी कैन आई नॉट से एट माई बैलेंस शीट इज एमटी हाउ डू से माई बैलेंस शीट इज एमटी प्लीज चेक करो बैलेंस शीट क्यों एम टी चेक कर लो क्योंकि बेटा जी मेरा कैपिटल गया एबीसी गया और रिजर्व सरप्लस गया तो स्टेप नंबर वन वॉज वेरी सिंपल हमने इनको कितने अकाउंट में इकट्ठा कर दिया तीन अकाउंट वन इज कैश अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट हैप्पी नाउ यू टेल मी मी डू आई 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 हैव 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 यस और नो ऑफ कोर्स जस्ट क्लोज द बैलेंसेस मैंने बैलेंस शीट में से बुक्स के बैलेंसेस एक जगह पे डाल के रखे हुए तुम्हें क्या लग रहा है बिजनेस के पास असेट है कि नहीं है अब जैसे एसी AC अकाउंट है मैं एसी को रियलाइजेशन में डाल दूंगा तो इधर से एसी गायब हो जाएगा मतलब तुमसे बड़ा मूर्ख पैदा नहीं हुआ फिर मैं एसी मेरे बुक्स में डेबिट बैलेंस है तो मैं एंट्री क्या करूंगा भाई एसी को डेबिट बैलेंस है मैं कर दूंगा एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसी अकाउंट तो तुम्हें लगता है यहां से गायब हो जाता है देखो मैं करता हूं अभी एंट्री देखो गायब हो रहा है क्या देखते रहो उधर रियलाइजेशन टू एसी हुआ क्या गायब है ना हाँ ये कॉमन सेंस है। तो अगर ये है धंधा क्लोज हो रहा है तो ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा बिकेगा तो ये बिकेगा किस पर मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू ये बात समझना चाहिए इसीलिए मैं जानबूझकर फोकस कर रहा था कि बैलेंस शीट एम होगी बुक वैल्यू पर बट ये चीजें बिकेगी मार्केट वैल्यू पर यस। यस। बेटा जी जब चीजें बिकेगी मार्केट वैल्यू पर तो हमारी एंट्री होगी पैसा आएगा हमारा मकसद क्या है धंधे को क्लोज करना है मतलब जितनी भी असेट्स है उनको बेचना है सो आई विल रिसीव वॉट कैश माइ एंट्री वुड बी कैश टू एसी करूंगा क्या कैश टू एसी नहीं हो सकता कैश टू एसी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एसी AC अकाउंट मेरे बुक्स में रहा ही नहीं है इज द एसी अकाउंट इन माई बुक्स नो इट इज ऑलरेडी क्लोज वेयर इन द रियलाइजेशन सो आई विल राइट डाउन कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड आई शैल रियलाइज इट एट एमवी एम इज एमवी मार्केट वैल्यू एग्जामिनर बहुत झांसे देता है बहुत झांसे देता है मालूम तुम्हें इतना खतरनाक बोलता है वो धीरे से बोलता है सुनो ना ए सी की बुक वैल्यू जो थी ना वो टेन थाउजेंड जान बुझ कर लिखेगा और सेल वैल्यू जो है ना वो है ट्वेल्व थाउजेंड मेरा पुट्टा क्या करता है क्लास में जाता है एग्जाम में कैश ट्वेल्व थाउजेंड टू रियलाइजेशन या टू एसी कर देता है कुछ टेन थाउजेंड एंड टू प्रॉफिट टू थाउजेंड पेपर ना हो बहुत सर, बाल बशी है, होपलेस। समझने की कोशिश करो मेरे भाई ये यहां पर रियलाइजेशन में डेबिट में तुम एसी डाल चुके हो बुक वैल्यू टेन थाउजेंड और मेरे मटर पनीर अब इधर तुझे लिखना पड़ेगा बाय कैश पब्लिक बैंक ट्वेल्व थाउजेंड मार्केट वैल्यू अभी प्रॉफिट अपने आप आएगा क्योंकि डेबिट में क्या